मिले तुम भी अकेले मजा आ रहा। मिलेंगे फिर से दुनिया। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उमरांगसो गाइस। अभी बज रहा है, कितना बज रहा है, 7:12 हो चुका है गाइस। कल रात को हम लोग 3 बजे आया था, हम लोग नहीं, सिर्फ मैं ही 3 बजे आया था, वो तो आके सो गया था गाइस। इसके यहाँ का बाहर का नज़ारा मैंने भी नहीं देखा है। कल जब आए थे हम लोग का तब अंधेरा हो चुका था, तो इसीलिए मैं भी नहीं देखा। चलो आप लोगों के साथ मैं भी देखता हूँ कि ये रहा मेरा टेंट। चलो बाहर निकलते हैं। भाई चारों तरफ टेंट ही टेंट है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, हम लोग भी जाएंगे। ओ ज्वेल ज्वेल, उठ उठ उठ, गुड मॉर्निंग। कल रात कब आए थे? आ गए थे क्या? ये लोग हमारे नेबर्स हैं। आप भी हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? ओ, मैंने सोचा आप ब्रश कर रहे हो इसीलिए इस तरफ नहीं देख रहे हो। भाई हम लोग जब आए थे कल रात को ही आए थे, और यह नज़ारा हम लोगों को देखने को नहीं मिला। बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइस। ये नदी है क्या? नहीं, नदी नहीं है, लेक जैसा ये है गाइस। कल रात को ये लोग लेक जो नदी नदी रिवर बोल रहे थे, तो ये रिवर नहीं है गाइस, ये एक लेक जैसा ही है। और वो जो प्रोग्राम हो रहा था ना गाइस, वो यहाँ पे हो रहा था। ये 2 स्टेज है, ये यहाँ पे 1 स्टेज है, यहाँ पे 1 स्टेज है। यहाँ पे हॉलीवुड वाला बज रहा था, यहाँ पे बॉलीवुड वाला बज रहा था, यहाँ पे हॉलीवुड वाला बज रहा था। गाइस मेरा गला बैठ गया है, कल रात इतना चिल्लाया। एनीवेज, जल्द से जल्द फ्रेश अप होते और निकलते हैं गाइस यहाँ से, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है जाने का टाइम भी। ओ चलो भाई लोग चलते हैं, मिलेंगे हम, मिलेंगे फिर से दुनिया गोल है, मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो मिलेंगे। हाँ चलो आप लोग भी चले जाओगे ना? अभी निकल ही रहे हैं हम लोग। ठीक है चलो, बाय 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 बाय। भाई अभी उठा है, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। चलो तो गाइस निकलने का टाइम आ गया, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे एक लेक है, तो वो लेक देख के भी जाएंगे। चलो वो लेक देख के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग के पास में रह रहे थे ना, वो लोग बोल रहे थे अगर आप लोग ये लेक पे नहीं गए हो तो फैल्कन फेस्टिवल बेकार है। चलो वो लेक देख के आते हैं पहले, और उसके बाद निकल जाएंगे। नज़ारा देख रहे हो, पूरा कैंपिंग। ओके इस साइड पे था। ओके कल रात को यहाँ पे भी लाइटिंग जल रहा था गाइस, लेकिन हम लोग ने चूज़ किया वहाँ रहने के लिए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है ना। कल रात को मैंने दिखाया था ना, वो जंगल से हम लोग शॉर्टकट होके चले गए थे, तो अगर यहाँ पे रहता तो बहुत दूर हो जाता।
और भाई हम मैंने तो कहना भूल गया गाइस, सिलचर से अप टू हियर ये इस अबाउट 195 किलोमीटर गाइस। यहाँ पे देखो अभी भी 195 दिखा रहा है, इतना दूर आए हैं तो गाइस ये भी देखना मांगता है, मांगता कि नहीं मांगता है, मांगता है। ओ भाई सच में तो बहुत बड़ा लेक है। ओके यहाँ पे भी लोग कैंपिंग कर रहे थे, ठीक 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 भाई सुंदर है, बहुत सुंदर है, यहाँ पे भी लोग कैंपिंग कर रहे हैं। एक्चुअली गाइस मुझे पता नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस फेस्टिवल पे आने का, मेरा फर्स्ट टाइम है तो ये सब पता नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तब टेंट वेंट साथ में लेके आऊँगा। और भाई इस साइड पे रहना है, इस साइड पे आके रहूँगा भाई। क्या ही खूबसूरत जगह है ये, नाइस गाइस नाइस। और यहाँ से तो बिल्कुल भी पास पे नहीं था, वो साइड में ही है वो। ये चेक करिए, ओके यहाँ पे एक हेलीपैड भी है, नाइस नाइस। चक्कर लगा के आते हैं गाइस अंदर। भाई क्या ही खूबसूरत जगह है ये, हम लोग क्यों उस साइड पे रह रहे थे बाल। हम लोग रात को नहीं, रात को आए हैं ना, इसीलिए शायद हम लोग को ये सब पता ही नहीं है, अभी पता चल रहा है। भाई क्या खूबसूरत है, नाइस गाइस। सोचो यहाँ पे कैंप लगा के रहूँगा तो कैसा लगेगा, रात बिताऊँगा तो, नाइस 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 भाई। चलो निकल जाते हैं गाइस, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। चल 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 और भाई रात को जब इस साइड पे आए हैं ना, लास्ट जो 60 किलोमीटर था ना भाई, क्या ही खतरनाक रास्ता था, क्या ही खतरनाक, मतलब मेरा तो फट गया था गाइस, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और इस रास्ते पे ना एक भी गाड़ी नहीं है, सिर्फ हम दो बाइक चला के आ रहे हैं और कोई भी नहीं है साथ में। भाई इतना सुनसान रास्ता मैंने कभी भी नहीं देखा है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था गाइस और मुझे बहुत ही ज़्यादा फट रहा था उस टाइम। अगर गाड़ी वाड़ी होता तो ठीक था गाइस, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं है और रास्ता भाई मक्खन की तरह रास्ता है और साइड में पूरा जंगल। मैं जाने के टाइम आप लोगों को दिखाऊंगा, कुछ कुछ शॉट में लूँगा और दिखाऊँगा आप लोगों को रास्ता कैसा है। भाई भाई रास्ता देखो क्या ही खूबसूरत रास्ता है, लेकिन रात को मैंने जैसे कहा था फट गया था गाइस इस रास्ते पे। ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है गाइस, और आगे जाने के बाद दोनों साइड में पहाड़ है और बीचों बीच मतलब रास्ता है, और पहाड़ तो पहाड़ ठीक है गाइस, जंगल है पूरा। तो भाई वो खतरनाक एक्सपीरियंस था कल, साइड में फूल लगा हुआ है भाई, क्या ही खूबसूरत है। रात को इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिया लेकिन अभी दिखाई दे रहा है। और ये फ्लावर मैंने पूरा हाफलोंग पे देखा है, मतलब दिमासो हिल जो है उसमें देखा है ये फ्लावर। भाई मैं जंगल का बात कर रहा था ना, यही जंगल है गाइस, इस साइड पे भी जंगल है, इस साइड पे भी जंगल है भाई, दोनों साइड पे जंगल है। और आप सोचो रात को इस साइड से जा रहे हो, यहाँ पे तो एक घर दिखाई दे रहा है, ये क्या ऑफिस है, लेकिन सामने भाई कुछ भी नहीं था, कुछ भी भाई। रास्ता क्या ही मक्खन रास्ता है भाई, दिल खुश हो गया इस राइड पे आके, पूरा दिल खुश कर दिया
भाई ऑफरोडिंग भी मिला, एक्सट्रीम ऑफरोडिंग मिला। ये सब टाइम में ना रात को मतलब पूरा सेफ होता है, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो सब पता नहीं चलता है दिन पे, लेकिन रात को पता चल जाता है क्योंकि लाइट जला हुआ रहता है ना गाइस, तो इसीलिए लाइट की वजह से पता चल जाता है कि सामने से गाड़ी आ रहा है मुझे स्लो डाउन करना है। लेकिन दिन पे ना ये सब पता नहीं चलता है कि स्लो डाउन करना है या फिर नहीं करना है, सामने से गाड़ी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये सब पता नहीं चलता है। तो दिन में थोड़ा सेफ सेफ राइड करना है इस सब रास्तों पे। जब कहे दिन सोचो जरा ये दीवानापन, सोचो जरा भी अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। सी लुक एट इट, है ना दोनों साइड से जंगल। ये जो पीछे मैंने जंगल दिखाया गाइस, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सामने एक विलेज है, वो विलेज छोड़ने के बाद जो जंगल आता है ना भाई, नो कमेंट। सब दुकान बंद है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया गाइस, बस एक एप्पल खाया था और हम लोगों का नाइवर ने दिया था एक एप्पल, ये छोटा सा एप्पल बस वो खाया था गाइस, और कुछ नहीं, पानी खाया, चॉकलेट खाया, बस निकल गया। अभी तक दुकान भी नहीं खुला है ठीक तरह से, 8-9 बज चुका है गाइस। जंगल जंगल पता चला है, उसके बाद क्या है पता नहीं। भाई गाना गाने का मन कर रहा है लेकिन गाना नहीं आता है, क्या करूं। अभी ना इस रास्ते पे राइड करके अच्छा लग रहा है, रात को तो अच्छा लग रहा था लेकिन साथों साथ फट भी रहा था, लेकिन अभी पूरा फुल मोड, पूरा मोड इज ऑन गाइस।
इस डोमिनार डोमिनार बाइक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसको ना टर्न लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है गाइस, पूरा आपको ऐसा लीन करके लेना पड़ता है। अगर आप टर्न ले रहे हो तो पूरा लीन करना पड़ता है, मतलब हम लोग का हैंडल जो है ऐसा ऐसा मुड़ता है ना, वो उसका मुड़ता ही नहीं है गाइस, पता नहीं क्यों। तो टाउन में जब चलाते हैं ना इसको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। मैंने थोड़ा बहुत चलाया उसको कल जब आ रहा था तब मैं चला रहा था उसको, एक बार मैंने लिया था और मैंने ट्राई किया बस कैसा है वो, तो बिल्कुल पसंद नहीं आया गाइस, एकदम बकवास है और ब्रेकिंग भी इतना अच्छा नहीं है। मैंने सोचा था कि मेरे वाला से उसका ब्रेकिंग जो है वो अच्छा होगा, लेकिन भाई ब्रेकिंग एकदम अच्छा नहीं है, मेरा वाला बहुत ही अच्छा है ब्रेकिंग भाई, उस हिसाब से मेरा वाला बहुत ही अच्छा है भाई। रास्ता रास्ता देखो रास्ता, साइड में ऐसा लग रहा है ना कारपेट कारपेट बिछा हुआ है, रेड रेड कारपेट, और बीचों बीच रास्ता है हम लोग जा रहे हैं भाई, क्या फीलिंग आ रहा है, जबरदस्त। जबरदस्त फीलिंग आ रहा है गाइस, मुझे ठंड लगने लगा है, जैकेट का जीप लगा देता हूँ गाइस क्योंकि ठंड लग रहा है, देखा ठंड करके क्या फायदा। यू ही चला चला रे, यू ही चला चला रे, जीवन हसीन है ये दुनिया, दिन दिन दा ना 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 ना, दिन दिन दा ना 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 ना। अभी ठीक है, ठंडा नहीं लग रहा है, नहीं तो मेरा जैकेट का जिप खुला हुआ था गाइस, पूरा इतना ठंड लग रहा था, मेरा पूरा बॉडी सुन्न हो गया, अपर साइड पूरा सुन्न हो गया। मेरा दोस्त बहुत दूर चला गया होगा शायद, क्योंकि वो मेरा आगे ही था और मैं यहाँ पे कुछ देर ब्रेक मार दिया, शिट, दिस वाज इम्पॉसिबल। AS08 कहाँ का रजिस्ट्रेशन है गाइस, हो जाए उस साइड पे होगा। और मैंने देखा है ना फैल्कन फेस्टिवल पे ज़्यादातर होजाई का लोग है गाइस, क्योंकि होजाई से पास है ना ये, होजाई से सिर्फ 60 किलोमीटर है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग होजाई से है। भाई क्या खूबसूरत रास्ता है, पूरा यू टर्न। और ऐसा यू टर्न बहुत सारा है, बहुत सारा, सिर्फ एक दो नहीं है गाइस, बहुत सारा है।
आप सोचो कल रात को हम लोग इस साइड से गए हैं। और दिन पे भी गाड़ी नहीं है, रात को कैसा गाड़ी होगा। से जाने के बाद ना मुझे एक हेलमेट खरीदना है गाइस, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन सा वाला हेलमेट खरीदूँ, क्योंकि ये जो हेलमेट है ये बाइक का साथ दिया था गाइस, तो वही चला रहा था, और मेरा और एक था हेलमेट तो वो ख़राब हो गया एक्चुअली गाइस, उसका जो अंदर का कुशनिंग है तो वो ख़राब हो गया, इसीलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये वाला ही यूज़ कर रहा हूँ बाइक के साथ जो दिया था, तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए यूज़ कर रहा था गाइस। तो अभी सोच रहा हूँ कि एक हेलमेट खरीदूँ, तो किस कंपनी का हेलमेट खरीदूँ प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस, कौन सा वाला अच्छा होगा। मुझे वो चाहिए चिन कवर वाला चाहिए, ताकि विंड ब्लास्ट एकदम बिल्कुल भी ना आए गाइस, ऐसा चिन कवर वाला लेने से विंड ब्लास्ट एकदम नहीं आएगा, अभी तो पूरा कम हो गया गाइस, थोड़ा बहुत आता है, वो सिर्फ चिन कवर नहीं है इसीलिए आ रहा है, लेकिन जब मैं वो चिन कवर वाला हेलमेट खरीद लूँगा तो पूरा एकदम विंड ब्लास्ट पूरा चला जाएगा। अभी तो देखो 40-45 स्पीड पे चलाऊँगा तो विंड ब्लास्ट एक भी मतलब सिंगल नोट भी नहीं आएगा, लेकिन जब मैं 60 क्रॉस कर दूंगा 70 चला जाऊंगा तब विंड ब्लास्ट आने लगेगा। तो चिन कवर वाला अगर लूंगा तो फिर उस टाइम अगर 100 भी जाता हो तो भी नहीं आएगा विंड ब्लास्ट नहीं आएगा। और कल रात को क्या मज़ा आया गाइस, अल्टीमेट था अल्टीमेट, लास्ट में जो डीजे था ना वो चुम्मेश्वरी था गाइस। भाई मेरा कैमरा का बैटरी डाउन हो गया, चलो कोई नहीं, कल मैंने चार्ज कर दिया था, मेरा दो एक्स्ट्रा बैटरी है तो उसको चार्ज कर दिया था। ना उन्होंने आखिरी के इस्लाम में क्यूटी क्यूटी पप्पीस हैं आंची, तो भैया ये कौन सा जगह है? बागा टीमा। सामने होटल होटल मिलेगा क्या चाय पीने के लिए? हाँ यांगी, अच्छा कितना किलोमीटर है यांगी? 37 27। ठीक है, थैंक यू भैया, बाय बाय। ओ गैस आओ खाइमो